सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं गोकू और एक टी फाइट है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या, कुछ ड्रॉली कुछ है, गोकू वर्सेस ड्रॉली। सो लेट्स गो। या तो यहाँ पर गोकू का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है आउटलाइन, और अभी बनाने वाले हैं ड्रॉली जी की ड्राइंग। सो लेट्स गो। या सो हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है, एंड अभी हम लोग फाइन लाइन से लाइनिंग करने वाले हैं पूरी ड्राइंग को। सो लेट्स गो। तो हमारी लाइन आर्ट हो गई है कंप्लीट, और अभी कलर करेंगे हम लोग ये डॉम्स की ब्रश पेन यूज़ करके, और ये फ्लेयर के ब्रश पेन यूज़ करके, और ये वाली हमारे डॉम्स सबसे चीपेस्ट कलर पेंसिल को यूज़ करके। तो लगभग हाफ एन आवर हो गए हैं ना, हाफ एन आवर में मेरी सिर्फ इतनी ही कंप्लीट हो गई है, इनकी हेयर से कंप्लीट हो गई है गोकू की, और अभी बनाने वाले हैं बॉडी को विद कलर पेंसिल्स। तो तुम लोग देख सकते हो हम लोग ने गोकू को कलर कर लिया है, और अभी ड्रॉली को कलर करने वाले हैं विद ब्रश पेन। सो लेट्स गो। तो आप लोग को ब्रश पेंस का यूज़ करने से पहले एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग को उसके पहले, अगर आप लोग वाटर की हेल्प से बनाने वाले हो ड्राइंग को, तो आप लोग को एक बार वाटर की लेयर को अप्लाई कर लेना चाहिए, देन आप लोग को ब्रश पेन का अप्लाई करना चाहिए। तो लास्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल सी वाइट कलर, और वाइट से हम लोग पूरी जो पावर है जो वॉल से लाइट निकल रही है उस लाइट को दिखा रहे हैं। तो आप लोग को ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अगर आपको इससे थोड़ी भी अच्छी लगी होगी ये ड्राइंग, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।